हेलो दोस्तों, आज मैं रेडमी नोट 10 और रियलमी 8 का साउंड टेस्ट करूंगा जो कि लाउड स्पीकर का होगा। रेडमी नोट 10 में डुअल स्पीकर आता है और इसका जो मेन स्पीकर है वो नीचे की तरफ और दूसरा स्पीकर ऊपर की तरफ है जो कि बहुत ही लाउड है। और रियलमी 8 में सिंगल स्पीकर आता है जो कि नीचे की तरफ दिया हुआ है और ऊपर की तरफ इसका कोई भी स्पीकर नहीं है। ये सिंगल स्पीकर फ़ोन है दोस्तों। तो देखते हैं कौन सी फ़ोन ज़्यादा लाउड और क्लियर है और बेटर साउंड प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, मैंने दोनों ही फ़ोन में सेम एप्लीकेशन से सेम म्यूज़िक को प्ले करूँगा और दोनों ही फ़ोन का जो मीडिया वॉल्यूम है वो 100% करके रखा हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों कौन सी फ़ोन ज़्यादा लाउड और क्लियर साउंड देता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, जो रेडमी नोट 10 है वो थोड़ा सा लाउड है रियलमी की कंपैरिजन में,
लेकिन Redmi Note 10 में ट्रैवल भी थोड़ा सा ज़्यादा है, जो थोड़ा सा कम होता तो अच्छा होता, लेकिन Realme 8 में ट्रैवल इतना ज़्यादा नहीं है, बैलेंस है। और Redmi Note 10 का जो डुअल स्पीकर है वो सिर्फ लाउड ही होता है, ज़्यादा खास साउंड क्वालिटी नहीं देता है, जैसे कि स्टीरियो इफेक्ट है उस तरह की साउंड नहीं देता है। तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं आपकी कौन सी फ़ोन का साउंड ज़्यादा बेटर लगा है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।